हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल HiFiTrick.com। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रोबोट टीएक्सटी क्या होते हैं, इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, वर्डप्रेस में हम इस बात को जानेंगे। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो मैंने पहले से इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है कि ब्लॉगर में आप कैसे रोबोट टीएक्सटी कोड को कैसे वहाँ से जनरेट करके आप अपनी पोस्ट को काफ़ी सारे रैंकिंग में ला सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा यहाँ से एरर दिखा रहा है, सब कुछ जान सकते हैं। तो अभी वर्डप्रेस में कैसे क्या करते हैं, कैसे हम इस कोड को वहाँ से वेरीफाई करेंगे, क्या करना होगा, तो इस वीडियो में को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं ब्लॉगर से रिलेटेड, या फिर यहाँ से अगर बात करें कि बैकलिंक्स की, या फिर SEO की बात करें तो SEO से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे बैकलिंक और SEO की तो बहुत सारी वीडियो बना दिए हैं, और आने वाले टाइम में ये बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिलने वाली है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ SEO जो SEO से ही रिलेटेड है, क्या है कि जैसे रोबोट TXT मतलब रोबोट्स क्या होते हैं, ये SEO को बिल्कुल एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, रोबोट्स का। अब रोबोट्स होते क्या हैं, रोबोट्स वो होते हैं कि अपने जो भी पोस्ट लिखते हैं तो उनको पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन में डालते हैं, और डालने से वहाँ से ही अपने को ट्रैफिक मिल पाता है। अब रोबोट TXT जो हम कोड होते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं, कैसे डालेंगे, तो क्या होते हैं कि रोबोट से जैसे ही हमें गूगल सर्च कंसोल में जो गूगल से सर्च में डालेंगे तो अपनी वेबसाइट रैंक होगी तो उसमें कौन सी क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या है कि हम कई बार कोई लिंक को डाल देते हैं, वो वेबसाइट ये सोचो कि कहीं पर बैन हो गई, या फिर हमने किसी कारणवश वहाँ से रिमूव हो चुकी है, तो क्या पता चलेगा कि वो रिमूव हो चुकी है, कहाँ पर क्या उसको मतलब फिक्स करेंगे हम। तो वो जो ये रोबोट्स होते हैं जो हमें इंडेक्स करते रहते हैं, हमारी वेबसाइट को देखते रहते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो, और हमें बताते रहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये बिल्कुल एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है SEO का। तो अभी SEO का बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, लेकिन हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा पेज है या फिर पोस्ट है हमारे ब्लॉग में। अब लोग ये आप ही क्या सोच रहे होंगे कि यार हम गूगल से या फिर बिंग से, बिल्कुल आप गूगल से या बिंग से किसी भी ही साइट से सब कुछ यहाँ से पता कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली कुछ नहीं करना होगा। अगर आप इस पोस्ट को पूरा रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, वैसे मैंने काफ़ी सारा लेंथी सब कुछ एक एक इन्फॉर्मेशन बता दिए। इस वीडियो में कुछ मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम रोबोट जो टेक्स्ट जो फाइल होती है कोड होते हैं उसको कैसे जनरेट करें। तो मैंने यहाँ पर बताया गया है कि हम जो भी यहाँ से कुछ भी करते हैं तो कैसे पता चल जाता है। तो देख सकते हैं ये कोड है, अब इन कोड को जैसे यहाँ से अगर आप कॉपी करते हो तो यहाँ से कॉपी नहीं बताया, क्योंकि मैंने कंटेंट के बारे में यहाँ से एक प्लगइन इंस्टॉल करके यहाँ लगाया हुआ ताकि लोग यहाँ से आर्टिकल्स कॉपी नहीं करें। तो सिंपल से यहाँ से मैं फंडा बताने वाला हूँ आपको क्या करना होगा। जाना है आपकी यहाँ पे लिखने के बाद में जो गूगल सर्च है, सो गूगल सर्च में लिखना होगा अपनी वेबसाइट का URL, जैसे मैंने लिख दिया HiFiTrick.com। उसके बाद में एक स्लैश देना होगा, स्लैश देने के बाद में robot.txt, जान रहे हैं robot.txt ये लिखना होगा। तो robot.txt लिखोगे तो लिखने के बाद आप इसे सर्च कर लें। तो फिलहाल में मैं इसको सर्च कर लेता हूं, तो आपके पास में ये कोड आपको जनरेट होकर के दिखाई देंगे। अब क्या करना होगा, ये इस कोड को यहां से कॉपी करना होगा, पूरे कोड को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद में यहाँ से आपको जाना होगा अपने वर्डप्रेस साइड में, वर्डप्रेस साइड में जाना होगा। जाने के बाद में आपको सिंपली जाना होगा आपके प्लगइन्स में, तो यहाँ से प्लगइन्स में जाओगे तो प्लगइन्स में जाने के बाद में आपके पास में एक योस्ट SEO का प्लगइन्स होगा। अगर आपने अभी तक योस्ट SEO प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने बताया भी गया है कि आपको क्या करना होगा कि SEO में जाना होगा, SEO में जाने के बाद टूल्स में जाना होगा, टूल्स में ऐसे देखना हो। तो अगर आपने प्लगइन्स में जाकर के ऐड न्यू प्लगइन्स करके आप योस्ट SEO प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में मेरे पास में पहले से ही है, तो ये ऐसे देख सकते हो। SEO जाने के बाद मैं टूल्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं SEO पर जाने के बाद मैं टूल्स, क्योंकि मेरे पास SEO प्लगइन्स है तो मैं पहले से ही है, तो मैं टूल्स पर जाऊंगा। अगर आपके पास में नहीं है तो जैसे मैंने बताया आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद में आप फाइल एडिटर पर जाना होगा। तो जैसे ही आप फाइल एडिटर पर क्लिक करते हो तो आपके पास में जो इंटरफेस है जो दिखाई देगा, आपके पास में कुछ पहले से ही कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ से कोड दिखाई देंगे, मैंने क्या है कि यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आपको पता नहीं कुछ अलग दिखाई दे, तो वहाँ से आप सिंपली इसको कंट्रोल ए करके और यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद में कंट्रोल वी कर दें, जो नए कोड होंगे उनको डाल दें,
अब देख सकते हैं मैंने यहाँ से स्टार भी लगाया हुआ है, क्यों लगाया तो यहाँ पे देखोगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से स्टार, अब ये स्टार क्यों है, क्या रीजन है, मैं इसको एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। अब देख सकते हैं स्टार, अभी स्टार क्यों है, ताकि यहाँ से कुछ जैसे अगर आप गूगल से या फिर से कुछ भी प्रॉब्लम ना आए तो आपको सारा कुछ यहाँ से कुछ एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ से स्टार है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कुछ डाल दिए, डालने के बाद में एक बात का ध्यान रखना कि अब यहाँ से वेबसाइट होगी तो वेबसाइट को ध्यान से जरूर देखना hifitrick.com, यहाँ से तो अपनी वेबसाइट का URL लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप सेव चेंज टू रोबोट txt पर क्लिक कर दें तो आपकी यहाँ से रोबोट txt फाइल यहाँ से जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो देखने को मिल जाएंगी। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट लिखा है मैंने वैसे तो, क्योंकि आप यहाँ से इसको पढ़ोगे तो यहाँ से काफ़ी सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने अगर क्या है कि वीडियो में मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन फिर भी आपको चाहो तो अगर आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, सॉरी सेकंड लिंक होगी, फर्स्ट लिंक आपको फेसबुक ग्रुप की देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, अपने दोस्तों को भी काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फेसबुक व्हाट्सएप के कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, तो यार शेयर करने और लाइक के तो पैसे मिलते नहीं, और साथ साथ में एक रेड आइकन दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर उसको तो यार जरूर दबा देना। इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।